नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व में जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का शेष भाग पूरा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने 6 जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था, जिसमें पहला विषुवतरेखीय जलवायु, दूसरा सवाना तुल्य जलवायु, तीसरा मानसूनी जलवायु, चौथा उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, पाँचवा ईरान तुल्य जलवायु और छठा मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु था। इन 6 के बाद क्रमशः चलते हुए हम 7 और जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें पहला है भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, टेगा जलवायु, टुंड्रा जलवायु और हिमाच्छादित जलवायु। तो सबसे पहले हम भूमध्य सागरीय जलवायु से शुरू करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय तटीय भागों में, भूमध्य सागर के जो तटीय देश हैं जैसे फ्रांस है, दक्षिणी इटली है, ग्रीस है, पश्चिमी टर्की है, सीरिया है, पश्चिमी इजराइल है, अल्जीरिया है, आदि जो देश है भूमध्य सागर के तटीय उनमें, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया तटीय भाग, दक्षिण अमेरिका में मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब इसकी जलवायु संबंधी विशेषताएँ देखते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु और मृदु शीत ऋतु इसकी विशेषता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, वर्षा शीतकाल में होती है। और इस जलवायु का आविर्भाव होता है वो वायुदाब की पेटियों में स्थानांतरण के कारण होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में इन प्रदेशों में उपोष्ण उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब मिलता है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण यहाँ पर इस उपोष्ण उच्च वायुदाब का विस्तार समाप्त हो जाता है और पछुआ पवनों का विस्तार हो जाता है, जिससे यहाँ पर वर्षा होती है। तो वर्षा यहाँ पर शीतकाल में होती है। कुछ स्थानीय पवनें भी यहाँ पर चला करती है, जैसे सहारा के सिराक को जो पवन है वो उत्तर की ओर चलते हुए दक्षिण यूरोप के देशों तक पहुँच जाती है। इसी प्रकार बोरा और मिस्टल ठंडी पवनें हैं जो यहाँ पर चलती है। यहाँ पर वनस्पति इस प्रकार की पाई जाती है कि वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु को सहन कर सके। उनकी जड़ लंबी होती है, कांटेदार होती है, उनका जो छाल होती है पेड़ों की तने की वो चिकनी मोटी और गुदेदार होती है, पत्ते रोएदार होते हैं जिससे वाष्पीकरण कम होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल है वो बिल्कुल चमकीला होता है, सूर्य चमकता है और यह जो दशा होती है यह खट्टे और रसदार फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो यहाँ पर इस कारण से अंगूर है, चेस्टनट है, जैतून है, अंजीर है, नींबू है, संतरा है, शहतूत है, ओक है आदि की उपज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ली जाती है। जैतून तो लगभग 100% भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ही आता है, अंजीर भी लगभग 100% आप मान लीजिए कि भूमध्य सागरीय देशों से ही आ रहा है। भूमध्य सागर के तट पर उगने वाली झाड़ियाँ जो इस जलवायु की वो मैक्रिस कहलाती, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागर के तट पर उगने वाली भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ वनस्पति मैक्रिस कहलाती है और कैलिफोर्निया में इनको चैपटेल कहते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया। टर्की में अगोरा बकरी और पठारी भागों में मेरिनो भेड़ पाली जाती है, तो यहाँ पर पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएँ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश, भूमध्य सागर के चारों ओर के जो देश हैं ये, इसके अलावा अमेरिका में कैलिफोर्निया वाला हिस्सा, दक्षिण अमेरिका में चिली, दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी अफ्रीका में केपटाउन और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी भाग जो है, पूर्वी दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं चीन तुल्य जलवायु, क्योंकि चीन में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती, तो इस प्रकार की जलवायु विश्व में जहाँ जहाँ पर भी उसे चीन तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जलवायु 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, उरुग्वे, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना, यूरोप में पो तथा डेन्यूब नदी के बेसिन, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित किए जाते हैं। यह एक ठंडी मानसूनी जलवायु है जो कि ग्रीष्मकाल में वर्षा प्राप्त करती है। तो ये है तो मानसूनी जलवायु, इसमें वर्षा भी ग्रीष्मकाल में होती है, लेकिन ठंडी मानसूनी जलवायु है। ठंडी इसलिए है कि यहाँ पर शीतकालीन जो तापमान है वो हिमांक से नीचे चले जाते हैं।
मानसूनी जलवायु की भांति यहाँ पर स्थलवर जलीय भागों में वायुदाब क्रम स्थापित होते हैं। वायुदाब क्रम का मतलब है कि ग्रीष्मकाल में हवाएं जल से स्थल की ओर चला करती है और शीतकाल में स्थल से जल की ओर पवने चला करती है। तो ये वायुदाब का क्रम है कि जिस प्रकार से जहाँ पर वायुदाब कम होगा वहाँ पर हवाएं उस ओर से चलेंगी जहाँ पर उच्च वायुदाब है, और जहाँ पर उच्च वायुदाब है वहाँ से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। चीन में टाइफून और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सदरली बस्टर्स उष्णकटिबंधीय चक्रवात सक्रिय होते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी मिलते हैं जिन्हें चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस जलवायु प्रदेश में चीन में जो चक्रवाती तूफान है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उन्हें चीन में टाइफून, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सदरली बस्टर्स के नाम से जाना जाता है। प्रचुर वर्षा होती है तो प्रचुर वर्षा के कारण यहाँ पर छोटी पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते हैं। शुष्क भागों में घास पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा कम है वहाँ पर घास पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के पराना बेसिन में माटे वृक्ष एक प्रकार की चाय की झाड़ी है वो वहाँ पर पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पराना बेसिन का माटे वृक्ष एक प्रकार की चाय की झाड़ी है। तो ये चीन तुल्य जलवायु की विशेषताएँ हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं चीन तुल्य जलवायु कहाँ कहाँ पर रही, हमने देखा था अभी चीन तुल्य जलवायु दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी चीन, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ब्राज़ील वाला जो हिस्सा है, अर्जेंटीना वाला भाग है, इन सभी भागों में ये चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। इसके पश्चात हम अगली जलवायु पर आते हैं दोस्तों, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यानी पश्चिमी यूरोप के समान जलवायु दशाएँ जहाँ जहाँ पर पाई जाती है वैसे भी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखी जाती है। इसकी विशेषताएँ देखते हैं, इस जलवायु का विस्तार 40 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य केवल 5 डिग्री में है दोस्तों, केवल 5 डिग्री में ये पाई जाती है। महाद्वीप मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है। पश्चिमी भागों में एक और जलवायु पाई जाती है मौसमी जलवायु, लेकिन उसका अक्षांश अलग है। ये 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य आ गया है, मध्य अक्षांशों की हम बात कर रहे हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश द्वीप समूह से नॉर्वे, यानी ब्रिटिश द्वीप समूह से हम चलते हैं तो नॉर्वे की ओर जाते हैं, डेनमार्क उत्तर की ओर जा रहे हैं, हम वापस हम दक्षिण की ओर आ जाते हैं, उत्तरी पश्चिमी जर्मनी, उत्तरी पश्चिमी फ्रांस, ये यूरोपीय देश हो गए। इसके बाद कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम की ओर वाशिंगटन और ओरेगन, दक्षिणी चिली, दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड और तस्मानिया में यह जलवायु पाई जाती है। यह सागरीय धाराओं व पछुआ पवनों से प्रभावित होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी यूरोप और ब्रिटिश द्वीप समूह में यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है उसका प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन ओरेगन यहाँ पर कैलिफोर्निया की धारा चलती है, दक्षिणी चिली यहाँ पर पिरवे हम्बोल्ट की धारा का प्रभाव रहता है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये किसी न किसी सागरी धारा या पछुआ पवनों से प्रभावित हैं। इन सब कारकों से यहाँ पर जो जलवायु है समकारी होती है, समान पाई जाती, न तो अधिक तीक्ष्ण या असहनीय गर्मी पड़ती है, न ही अत्यधिक कड़क कड़ाके की ठंड पड़ती है। तापांतर भी कम होते हैं और शीतकाल भी सामान्य रूप से ठंडा रहता है। पछुआ पवनों और सागरी चक्रवातों के कारण वर्षा वर्ष भर होती है। गर्म जलधाराओं के कारण सागर तट वर्ष भर खुले रहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यूरोप के जो तट हैं वो गल्फ स्ट्रीम की धारा के कारण वर्ष भर खुले रहते हैं। यूरोप का गर्म कंबल इसे कहा जाता है। तो वहाँ के जो सागरी तट हैं, जो बंदरगाह हैं, वर्ष भर काम आते हैं। शीतकाल में हिमपात होता है। उच्च पहाड़ी भागों में सघन वन मिलते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से कोनधारी वन पाए जाते हैं क्योंकि बर्फ गिरती है तो जो पेड़ होते हैं वो कोनधारी होते हैं, जैसे डगलस है, स्प्रूस है, फर है, सीडार है, हेमलॉक है, आदि प्रजाति के वृक्ष पश्चिमी यूरोप के जलवायु देशों में पाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो जो छायांकित क्षेत्र है वो सब पश्चिमी यूरोप के जलवायु है। ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वाला हिस्सा हो गया, ये ब्रिटिश द्वीप समूह, ये ब्रिटिश द्वीप समूह वाला हिस्सा आ गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वाला हिस्सा आ गया, फ्रांस और जर्मनी वाला हिस्सा आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाशिंगटन, ओरेगन, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, ये न्यूजीलैंड और तस्मानिया वाला हिस्सा आ गया। ये पश्चिम यूरोप जलवायु के देश हैं। इसके बाद है दोस्तों सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इसकी एक विशिष्ट बात यह है कि सेंट लॉरेंस नदी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है जो कि अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु का नामकरण संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी बेसिन के आधार पर किया गया है। यहाँ पर आ गया है पुनः, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवल एकमात्र ऐसी जलवायु है जिसका नामकरण नदी की बेसिन के आधार पर किया गया है, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु है।
यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, 45 से 65 के मध्य है। यह आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है जिसका विस्तार सेंट लॉरेंस बेसिन के अतिरिक्त, वहाँ पर तो है ही, उसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर हम देख लेते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है, तो मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान, दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया में पाई जाती है। शीतकाल में तापमान बहुत गिर जाते हैं क्योंकि अक्षांश आप देख रहे हैं लगभग 45 से 65 डिग्री अक्षांश है। लेबराडोर की ठंडी धारा का प्रभाव भी पड़ता है। सेंट लॉरेंस नदी का जो मुहाना है वह उसके आसपास जो लेबराडोर की ठंडी धारा जो कि उत्तर से आती है उसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ग्रीष्मकाल में जम भी जाती है, जो तट भी जम जाते हैं, वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, शीतकाल में चक्रवातों के द्वारा हिमपात होता है। उत्तरी अमेरिका में ब्लिजार्ड एक ठंडी पवन है और साइबेरिया में बुरान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में ब्लिजार्ड और साइबेरिया में यानी ये जो क्षेत्र आते हैं एशिया का मंचूरिया वगैरह क्षेत्र है, यहाँ पर बुरान जैसी ठंडी पवनें भी चलती है। आर्द्र भागों में पाइन, स्प्रूस, हेमलॉक, फर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क भागों में घास उगती है और नदियों के निम्न भागों में दलदली वन पाए जाते हैं। ये सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु का की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों टेगा। टेगा जलवायु का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, 55 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों में जल का विस्तार है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ही विस्तृत है। तो ये एक ऐसी जलवायु है जिसका विस्तार केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। तो ये इसकी विशेषता है टेगा जलवायु की। यूरेशिया में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कनाडा शामिल हैं, इसमें ये चार जो क्षेत्र हैं शामिल किए जाते हैं यूरेशिया के, तो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कनाडा। ग्रीष्मकाल व पतझड़ बसंत छोटी होती है, ग्रीष्म की अवधि कम होती है, क्योंकि हम 70 डिग्री तक पहुंच गए तो ग्रीष्म की अवधि कम होती है। 7 मास तक धरातल पर बर्फ जमी रहती है, सूर्य की किरणें लगातार तिरछी पड़ती जिसके कारण से बर्फ जमी रहती है। ग्रीष्मकाल में भी केवल ऊपर की सतह की बर्फ पिघल जाती है और गहराई पर जाए तो हमें बर्फ जमी मिलती है। तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है, शीतकाल की जो वर्षा है वो हिमपात के रूप में होती है। मास्को इसका प्रतिनिधि नगर है। प्रमुख वनस्पति शंकुधारी वन है, मॉस, लिचेन, झाड़ियाँ आदि उगती है। ध्रुवों की उर्वरता कम होती जाती है क्योंकि बर्फीले क्षेत्र बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही जंतु पाए जाते हैं, इनके शरीर पर फर पाया जाता है, जैसे लोमड़ी है, कैरिबो है, फिशर है, भालू है, भेड़िए है, खरगोश है आदि यहाँ पर फर वाले जीव मिलते हैं। जीव जंतुओं में प्रवास की रिचिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये क्या करते हैं, जब उच्च भागों में बर्फ जम जाती है तो ये मैदानी भागों की ओर आ जाते हैं, और जब मैदानी भागों में बर्फ जम जाती है तो जिस समय बर्फ पिघलती है उस समय तो ये पहाड़ी भागों के ऊंचे भागों की ओर चले जाते हैं, और जब बर्फ जम जाती है तो ये मैदानी भागों की ओर आ जाते हैं। तो ये द्वितीय प्रवास की प्रवृत्ति में पाई जाती है। तो टेगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलती है और 55 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कनाडा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु का विस्तार 55 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में है और यह मुख्य रूप से कनाडा, ग्रीनलैंड के तटीय भाग, आर्कटिक तटवर्ती साइबेरिया, यानी अब ये सबसे उत्तरतम हिस्से आ गए उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग के। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग के सबसे उत्तरतम भाग हैं जहाँ पर टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। टेगा जलवायु कहाँ कहाँ थी, कनाडा में, नॉर्वे और स्वीडन में थी, ठीक है, फिनलैंड में, लेकिन उनसे भी उत्तर की ओर उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड के तटीय भाग और आर्कटिक तटवर्ती साइबेरिया सम्मिलित हैं। लंबी कठोर शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। मई में बर्फ पिघलनी शुरू होती है किंतु नीचे की ओर बर्फ जमी रहती है। ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में हिम पिघलने पर वनस्पति उग जाती है। यहाँ की वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है, झाड़ीदार टुंड्रा जिनमें एल्डर, बर्च, विलो आदि हैं, घास वाले टुंड्रा जिनमें मॉस, लीचेन, सेज है, मरुस्थली टुंड्रा या शीत मरुस्थल का क्षेत्र है जो कि प्राय वनस्पति विहीन माना जाता है। तो टेगा और टुंड्रा जो जलवायु दशाएं हैं वो केवल उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती हैं। टेगा जलवायु टुंड्रा जलवायु को दक्षिण की तरफ है जिसमें कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, और इससे उत्तर की ओर जाते तो टुंड्रा जलवायु आती है उत्तरी कनाडा, साइबेरिया के आर्कटिक तटवर्ती क्षेत्र और ग्रीनलैंड। इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये जलवायु दशाएं हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है कनाडा का ये वाला क्षेत्र, और
यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का भी क्षेत्र है। इन भागों में तो आपको टेगा जलवायु पाई जाती है, टुंड्रा जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। निम्न जो भाग है वहाँ पर टेगा जलवायु है, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमें टुंड्रा जलवायु मिलती जाती है। तो ये जो निचले क्षेत्र हैं, ये निचले क्षेत्र टेगा जलवायु के हैं, और ये जो ग्रीनलैंड का तटीय क्षेत्र है, आर्कटिक तटवर्ती साइबेरिया है, उत्तरी कनाडा है, ये सारे के सारे, अलास्का का उत्तरी भाग, ये सारे के सारे टुंड्रा जलवायु में आते हैं। यानी स्थल भाग की जो किनारे वाले क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे जो किनारे वाले भाग हैं, साइबेरिया का आर्कटिक तटवर्ती क्षेत्र, ग्रीनलैंड के तटवर्ती भाग, कनाडा का उत्तरी भाग, अलास्का, ये सभी टुंड्रा जलवायु में आते हैं। और टुंड्रा के ठीक नीचे उससे संलग्न है टेगा जलवायु। और इसके बाद अंत में दोस्तों हम आते हैं हिमाच्छादित जलवायु पर। हिमाच्छादित जलवायु का विस्तार अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के अधिकांश भाग पर है। तो अंटार्कटिका को वैसे भी जमा हुआ महाद्वीप कहा जाता है। तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में लगभग वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान भी है। भयंकर बर्फीले तूफान चलते हैं। वर्षा केवल हिमपात के रूप में होती है जो कभी नहीं पिघलती है। तापमान सदैव हिमांक से नीचे होता है, इसलिए जो बर्फ होती है वो कभी पिघलती नहीं है। और मॉस, लीचेन, काई और समुद्री घास ग्रीष्मकाल में उगाती। ग्रीष्मकाल केवल एक या दो महीने का होता है, बाकी वर्ष भर 10 से 11 महीने तक बर्फ जमी रहती है। ध्रुवीय भालू, सील, वालरस, पेंगुइन आदि प्रकार के जो जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हिमाच्छादित जलवायु पूर्णतः बर्फीली जलवायु है। तो हिमाच्छादित जो जलवायु है दोस्तों वो ये ग्रीनलैंड में और अंटार्कटिका में पाई जाती है। इस प्रकार से हमने शेष 7 जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया। इसमें हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिमाच्छादित जलवायु हमने पढ़ी। हिमाच्छादित जलवायु के पूर्व से जस्ट पहले हमने टुंड्रा जलवायु से ठीक पहले हमने पढ़ी टेगा जलवायु से ठीक पहले हमने पढ़ी सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु से ठीक पहले हमने पढ़ी पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु से ठीक पहले हमने पढ़ी चीन तुल्य जलवायु से ठीक पहले हमने पढ़ी भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इस प्रकार से हमने कुल 13 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया है। तो ये सभी जो जलवायु प्रदेश हैं ये अपनी अलग अलग विशिष्टताएं रखते हैं, और अपनी अलग अलग विशिष्टताओं के साथ साथ ये अपनी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें